हो गया। चलिए, इनोवेटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है परसेंटेज। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो परसेंटेज क्लास 8 का, और बुक होगा आरएस अग्रवाल, सारे क्वेश्चन उसी बुक का होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे से करना शुरू कर देते हैं परसेंटेज को। ठीक है, बाकी आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाकी कोरोना जाने के बाद तो फिर है ही है ना। चलिए ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। तो परसेंटेज, सबसे पहले आप क्लास 7 में परसेंटेज क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। परसेंटेज मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100 में वैल्यू निकालना। ठीक है, तो परसेंटेज में हम लोग पहला क्वेश्चन है क्लास 8 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। तो आपको पता है सबसे पहले फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें क्या हटाना है, परसेंटेज को। ठीक है, तो परसेंटेज अगर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 48/100 फ्रैक्शन में है ना। आप इसे बाकी कट करो तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 12 और ये 25। ठीक है, 12/25। ठीक है, दूसरा है 1220। ठीक है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 00 आएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 से 5, 2 से 11, और ये हो जाएगा 11/5 या 2 इंटीजर 1/5। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5%। 2.5% सबसे पहले तो 2.5 है, नीचे 100 आएगा, ये डेसिमल जाएगा, एक और 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल है, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अब जो बाकी का दिया हुआ है वो एक्सप्रेस करना है डेसिमल में, और आपको गिवन है परसेंटेज में। सबसे पहले हमें परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा है 72, तो 72/100, तो ये क्या हो जाएगा, 0.72, ये 125, तो 125/100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1.25। ठीक है, डेसिमल में। नेक्स्ट कह रहा है, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। अब ये फ्रैक्शन में गिवन है और इसे क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। जब फ्रैक्शन में दिया हुआ गिवन हो और परसेंटेज में पूछ रहा हो तो क्या करना है, सिंपली सिंपली क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 4 36%। नेक्स्ट है 1/3/125 × 100, तो ये क्या हो जाएगा, 12/5 का क्या रहा है, परसेंटेज में 12/5%। नेक्स्ट 12/5 × 100, 240%। ठीक है, क्या 240%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 240% है ना, 240%। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में है 4:5, तो आप इसे फ्रैक्शन में लिखवा रहे होंगे 4/5। अब ये फ्रैक्शन हो गया, इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, 20 80%। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस 125 एज ए रेशियो। ठीक है, सबसे पहले ये 125% है, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है, हमने कर दिया भाई। अब क्या रेशियो में चाहिए, कोई नहीं, 5:4। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच इज लार्जर इन इन है ना। सबसे पहले अगर हम लोग सिर्फ इसको किसी एक फॉर्म में लाना होगा, देखिए एक है परसेंटेज वाले फॉर्म में, दूसरा है फ्रैक्शन और तीसरा है डेसिमल, सबको एक फॉर्म में लाना होगा, फिर डिसाइड करना होगा कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अगर हम सीधा से इस सबको, या तो आप सारे को परसेंटेज में कर लो, या फिर सारे को फ्रैक्शन में, या फिर सारे को डेसिमल में। चलो ठीक है, हम लोग सबको फ्रैक्शन में करते हैं, तो ये 6 × 2/3, मतलब क्या हो गया, 20/3। परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 3/20 है और ये 1/, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/15, दिख तो रहा है ना, हाँ 1/15, और ये हो जाएगा 3/20 और ये हो जाएगा 14/10। अब आपको पता है सारे डिनोमिनेटर का, आप निकाल लो एलसीएम, और एलसीएम आएगा 30 नहीं 60, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 84। तो आपको पता चल गया सबसे बड़ा कौन होगा, तो आपका होगा 1.4। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए इसको छापना है तो जल्दी से छापिए, बाकी हम तुरंत से है ना, क्या क्या क्या, हाँ क्या हो गया, तो ठीक ही तो है। विच इज़ लार्जर इन 6 × 2/3, तो कितना हो गया, 18/2, 18/3, ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, 1/4 नहीं, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 84 हो गया, तो बड़ा कौन सा है, और फिर से कर लो ना, तुमको ऐसा लग रहा है तो।
देख लो क्या होता है, चलो करते हैं। क्या सिक्स इंटीजर 2/3%, ठीक है। इसको अगर परसेंटेज हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ था, चलो परसेंटेज हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा 20/3। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 5, तो 1/15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। फिर ये नहीं, ये हो जाएगा 1/15 ना, 1/15 ही तो है, 1/15। दूसरा है 3/20, और तीसरा है 1.4, मतलब 14/10, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा कितना, 1/15। और 15, 20 और 10 का एलसीएम लोगे, आएगा 60। तो 60, तो ये देखो 6, ये देखो 3, और ये 4। तो इसका वैल्यू तो 4 ही आया, इसका वैल्यू 9, और इसका 84। तो सबसे बड़ा जो है वो तो 1.4 है, ये दिए हुए सारे ऑप्शंस में, ठीक है। चलो जल्दी से छापो इसको।